उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में एकमात्र एलपीजी गैस गोदाम है, जो कि जनपद के 3 विकास खंडों की जनसंख्या को एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा मुहैया करवाता है। सन 2007 में गरुड़ विकासखंड के मालदे गांव में लोगों के जन सहयोग से और प्रशासन की पहल से गैस गोदाम की स्थापना की गई। विगत 4 सालों में यह गैस गोदाम बनकर तैयार तो हो गया, परंतु अभी भी यह बंद पड़ा हुआ है। इस गैस गोदाम में ताले लटके हुए हैं, इस गोदाम के अंदर घास जमी हुई है और ऑफिस भी हफ्तों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ गैस गोदाम खुला नहीं है, कई साल हो गए हैं। अब हमें बहुत परेशानी हो रही है, कभी गैस नहीं मिलता है तो बागेश्वर जाना पड़ता है, यहाँ से बागेश्वर से भरवाने पड़ते हैं। कभी वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो कितने महीने मतलब वैसे ही रुकना पड़ता है। अगर ये खुल जाता तो बहुत सुविधा होती है हमको, सारे मतलब पूरे गाँव यहाँ पूरा गरुड़ क्षेत्र मतलब पूरे उसको सुविधा होती। लोग अपने घरों से 20 किलोमीटर दूर जाकर यानी जनपद मुख्यालय में जाकर गैस सिलेंडर भरवा कर लाते हैं, इससे उनको खासा दिक्कत होती है। लोगों का मानना है और लोगों का ऐसा कहना है कि गैस सिलेंडर विपणन का कार्य भी बराबर तरीके से नहीं किया जाता है। एलपीजी गैस का तो ऐसा है कि कभी 3 महीने में कभी 6 महीने में इस तरीके से मिल पाती है, और उसमें भी अनियमितता बरती जाती है। जैसे बाजार क्षेत्रों में गैसों को दिया जाता है, अधिक मूल्य उनसे वसूला जाता है क्योंकि उनको वहाँ से अधिक मूल्य मिलता है। ग्रामवासी अधिक मूल्य देने के बावजूद भी गैस प्राप्त एलपीजी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बागेश्वर जाना पड़ता है, जिससे कि हमें 391 का सिलेंडर 500 या 550 रुपये का बैठता है। उसके ऊपर वहाँ जो परेशानियाँ होती हैं, गाड़ी से लाना ले जाना, ये बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी। और यहाँ पर कितने समय से आपको गैस नहीं मिला? यहाँ अभी कम से कम 4 महीना हो गया, गैस सिलेंडर आई नहीं है। खतरी साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो गरुड़ ब्लॉक में मालदे गांव में जो एलपीजी गैस गोदाम बना हुआ है, ये बनने के निर्माण कार्य कितनी देरी के बाद क्यों नहीं अभी तक शुरू हुआ है और कब तक इसके शुरू होने के आसार हैं? ये सरअसल में ऐसा है कि ये जो है हमारे सगी भांजी ने इंडियन ऑयल से ही हो गई, क्योंकि हमारे महामंडल की तरफ से पूरी फॉर्मेलिटी हो गई। जनपद बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड में बंद पड़ा यह गैस गोदाम अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसमैनेजमेंट होने की वजह से लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर से विपिन जोशी, वीडियो वॉलंटियर के लिए।